ओके सो धोखे तो हो गया, बट जो हुआ है वो तो आपको मैं दिखाऊंगा। बट भाई बहुत ही ज्यादा गलत हो गया ये, तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं आया, ये कुछ ज्यादा ही रॉन्ग हो गया है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने करने वाले हेयर कलर, तो मैं ब्राउन कलर लेके आया। सो ये ब्राउन कलर है, इंडिका का नेचुरल ब्राउन। तो बाल कलर करेंगे और दाढ़ी देख लो, ये भी ट्रिम करनी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है दाढ़ी और आदत लग गई मुझे, बार बार यहाँ खुजली करता रहता हूँ, यहाँ ऐसे खुजली करता रहता हूँ, ये ऐसे ऐसे, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है। सो ये भी करेंगे और आई थिंक मुझे लाइट ऑन करना पड़ेगा रूम का, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन सही है। तो ये जो कलर है इसको करेंगे, और सबसे पहले मुझे मेरा हेयर वॉश करना पड़ेगा, बिकॉज लगाने से पहले करना ज़रूरी है। और बाय द वे एक और चीज़, मेरी जो कैट है नाला, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, तो ऐसा लग रहा है वो हिंट दे रही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, बिकॉज आज सुबह से और रात से भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो जगह ढूंढ रही है कुछ करने के लिए, बार बार चली जाती हूँ। देखो बार बार फिर से मेरा हाथ वापस अब मुझ पे आ गया, तो वो बार बार चली जाती है, कहीं ना कहीं कोने कोने में ढूंढ रही है। तो आई गेस ऐसा लग रहा है कि फिर से इधर हाथ लगा, सो आई गेस ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, पता नहीं। आप लोग बताना अगर आपके पास कोई कैट वेट हो, अगर आप, आई डोंट नो कलर कैसा होने वाला है। मैं अगर एक्चुअली मैं ट्राई करने वाला था कि कोई सिल्वर या ऐसे रेडिश या फिर गोल्डन टाइप का कलर करूँ, बट फर्स्ट टाइम कलर कर रहा हूँ, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता बालों के साथ में, ताकि बाल खराब ना हो। तो इसके लिए मैंने सुना नेचुरल ब्राउन ही कलर यूज करते हो, अच्छा भी रहेगा। और ऐसा इसको खोल के देखता हूँ अंदर क्या क्या है, एंड और कोई कलर सजेस्ट करना हो तो जरूर करना, मुझे ट्राई करूंगा। फिलहाल तो यही कलर नेचुरल ब्राउन ही रखते हैं, सही भी लगेगा, और ज्यादा कुछ बुरा होगा तो देख लेंगे, फिर बाल कटवाना पड़ेगा। और ये दो पाउच है, एक तो ये डेवलपर और एक है कलरेंट। ये तो सबसे पहले तो नहा के आता हूँ मैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं, और लेट होगा तो फिर अभी मूड नहीं होगा, फिर शाम को नहाना पड़ेगा। देखा था ना एक वीडियो, चलो उसको सोने दे, उसको सो जाने दे, तब मैं अपना वीडियो शूट करूंगा। तो फिर चाटने लगी, हाथ हटा ले ना तू, हाथ क्यों रख रहा है वहां पे, तो चाटेगी ना वो, तो हाथ हटा। हाँ उसको छोड़ दे, सो जाएगी अपने आप, सोएगी नहीं तू, सो जाना। सो मैंने हेयर जो है वॉश कर लिया है, देख सकते हो, और दाढ़ी जो है वो भी मैंने पूरा निकाल दिया। फिर ट्रिम कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि पूरा निकाल ही देते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, सो इसके लिए हंसना तो हंस लेना। एंड अब जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, तो इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए मैं ये प्लास्टिक का थोड़ा सा बाउल लेके आया हूँ। एक्चुअली बाउल नहीं है ये, बट काम चलेगा, थोड़ा आवाज आए बैकग्राउंड पे तो इग्नोर कर देना, थोड़ा काम चल रहा है। और ग्लव्स, और 10 मिनट बोला है मैक्सिमम 10 मिनट का, बट मैं सोच रहा हूँ 5-6 मिनट में ही हटा दूं, बिकॉज 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मिक्स करते और फिर लगाते, और लगाने का जो मैंने सोचा वो इतना ही बाल, मैंने सोचा ये जो इतना एरिया है ना,
ये बाल और इधर थोड़ा मोड़ा लग जाए तो ठीक, और पीछे के तो मेरे भाई को भी रखा है मैंने, तो वो बाद में हेल्प करेगा। इतना एरिया जो है लगेगा और बाकी का छोड़ दूंगा, हल्का हल्का मिक्स करेंगे। और इधर देखो कौन है, कब से ये परेशान करके रखी है। सो के मिक्स तो कर दिया है, तो देख सकते हो इतना ही कलर हुआ है ये, और बाल में डायरेक्ट इसको लगा। ओके सो मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, देख सकते हो पीछे भी लग गया है थोड़ा सा। ये जो ये पार्ट है ना, इसको मैंने छोड़ दिया है ताकि थोड़ा ब्लैक और ब्राउन लगे, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा और ये कलर कैसा आएगा। 10 मिनट बोला है बट मैं 8 मिनट में पहले हटा दूंगा, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी कभी कलर। सो मिलते हैं 5-10 मिनट बाद। आज इसको देखो से आया उधर उधर की है। क्या है, मैंने बोला था ना आपको, आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। देखो कैसे, पंखा चालू कर दिया, टाइम हो गया ऑलरेडी 3:20 हो गया और मैंने 3:07 पे पूरा डन कर लिया था कलर करके। थोड़ा तो हल्का है लेकिन ज्यादा देर तक गड़बड़ रख नहीं सकते। मैं तो MSK भाई का वीडियो देख रहा था, टाइम पास हो गया, मजा आ गया। थोड़ा बाकी का बाद में आके देखते, और इस रूम में आके क्यों वीडियो शूट कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। तो चलो ओके सो धोके तो हो गया बट जो हुआ है वो तो आपको मैं दिखाऊंगा, बट भाई बहुत ही ज्यादा गलत हो गया ये तो। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं आया, ये कुछ ज्यादा ही रॉन्ग हो गया है। तो ये देखो एक भी बाल ब्राउन नहीं हुआ है, ये क्या, इसका क्या मतलब है, बाल एक भी ब्राउन नहीं हुआ है। और देख सकते हो एक बाल भी ब्राउन नहीं हुआ है, एक बाल। अभी पता नहीं ब्लैक ब्राउन, ब्लैक हेयर कोई ब्राउन करेगा या फिर समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, मतलब लिटरली एक बाल ब्राउन नहीं हुआ है, एक भी बाल नहीं। ऐसा लग रहा है ब्लैक बाल हो गया और ज्यादा पहले से। अभी या फिर ये व्हाइट बाल के लिए है या फिर ग्रे बाल के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बाद में थोड़ा पता चलेगा। ऑलरेडी मैंने इसको ज्यादा ही रख दिया था, 10 मिनट रख ही दिया था मैंने, मैंने बोला था 10 मिनट से कम रखूंगा बट कुछ भी नहीं हुआ बाल, कुछ भी नहीं। देख सकते हो देखो एक भी बाल नहीं हुआ कलर, क्या हो गया ये। डीमार्ट जाके मैं कलर लेके आया था, तो बाद में पता चलेगा। शाम तक वेट करूंगा, देखता हूँ अगर कुछ चेंज आया तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। पहला MSK भाई का वीडियो देखता हूँ, टाइम पास करता हूँ थोड़ा, और थोड़ा इसको सूखने देता हूँ, पंखा चालू कर देता हूँ मैं। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। चलो सो अभी के रात के 8 बज रहे हैं, सीट तो बाल भी क्या वैसे के वैसे, मैं समझ में नहीं आया क्या हुआ, बाल कलर क्यों नहीं हुआ। तो अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो बताना, नेक्स्ट टाइम कोई कलर लेके आऊंगा फिर ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट मेरे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर किसी के पास कुछ सजेशन हो तो जरूर देना कलर के लिए, ये कलर क्यों नहीं हो पाया, ये वाला कलर जो था ये क्यों नहीं हो पाया और क्या रीजन था, तो बताना जरूर मुझे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, बाय।